हेलो सर, मैं निखिलेश विश्वकर्मा, लूप टेक्नो सिस्टम दिल्ली से। आज मैं आपको दिखाऊंगा MD5008, जो कि चाइना की है और ये दो कॉइल के साथ में है, 11 इंच की कॉइल और 15 इंच की कॉइल। इसकी डेप्थ 5 फीट है और ये जो बड़ी कॉइल लगी हुई है इसकी डेप्थ 10 फीट है, मैक्सिमम 10 फीट। ये इसका बड़े बैटरी का बॉक्स है और एक छोटे बैटरी जो लगते हैं उसमें इनसाइड में। तो ऑलरेडी मैं इसमें बैटरी लगा चुका हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मशीन ये वर्क करती है। तो सबसे पहले हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मशीन स्टार्ट हो गई। इसका कुछ सेटिंग होती है जो कि ये सेंसिटिविटी है, ग्राउंड बैलेंस है और ये वैल्यूम है, ये डिस्क्रिमिनेशन मोड है। तो अभी हम आपको ऑल मेटल पे दिखाने चल रहे हैं। तो ये रीसेट बटन है, रीसेट दबा के हमें एक बार वॉइस को सेट करना होता है, ग्राउंड बैलेंस बन जाता है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे मशीन वर्क करती है। जैसे कि एक छोटा सा मेटल है तो आप देख रहे हैं कि ये साउंड भी कर रहा है यहाँ तक और कांटा भी जा रहा है। तो जैसे जैसे मेटल का साइज बड़ा होता है, अगर हम मान लो इतना बड़ा मेटल लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितनी दूर तक, ये लगभग 3 फीट तक, 2.5 से 3 फीट तक कैच कर रहा है। आप सुन सकते हैं साउंड भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम इससे भी बड़ा कोई मेटल लगाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर साउंड आ रहा है, लगभग 3 साढ़े 3 फीट तक यहाँ कर रहा है। अगर हम इससे भी बड़ा मेटल लगाते हैं, अभी हमें हमारे पास इससे बड़ा मेटल तो नहीं है, बट मैं ये कॉइल लगा के आपको दिखाता हूँ कि इतना बड़ा मेटल लगभग 1/1 फीट का है तो ये कहाँ तक काम करता है। हमारे पास जो स्पेस है लगभग 5 फीट का ही है, इससे ज्यादा मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि हर जगह पर मेटल है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मशीन डिस्क्रिमिनेट कैसे करती है मेटल को। अभी मैं ऑल मेटल पे चला रहा था, कैमरे को जरा इधर लगी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये सर आप डिस्क्रिमिनेशन मोड पे आप इसे कर सकते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन मोड पे हो गया और उसके बाद में हम डिस्क्रिमिनेशन मोड को फुल कर देंगे और एक बार हम रीसेट की बटन दबाएंगे, इससे ग्राउंड बैलेंस बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मशीन वर्क कैसे करती है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं ये एक स्क्रू ड्राइवर है जो कि छोटा सा है, आयरन का है। तो आप देख रहे हैं इधर जाइए, ये आयरन पे साउंड नहीं कर रहा है, इसमें दिखाइए, आयरन पे साउंड नहीं कर रहा है और इसका जो नीडिल है ये रेड की तरफ जा रहा है, नॉन फेरस की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं ना कि इसका जो नीडिल है ये नॉन फेरस की तरफ जा रहा है। ये मोबाइल का इस्तेमाल, तो अगर हम कोई फेरस नॉन फेरस मेटल लगाते हैं जैसे कि ये, तो अभी इससे साउंड भी आएगा और कांटा भी इधर नॉन फेरस की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे हम लगाते हैं इसे, ये नॉन फेरस मेटल है, अगर हम इसे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसपे साउंड कर रहा है मशीन और कांटा नॉन फेरस की तरफ जा रहा है, मतलब फेलो की तरफ जा रहा है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ फेरस मेटल।
ये देखिए, ये कॉइन है जो कि आयरन की है, तो इसे आप देखिए इसपे साउंड नहीं कर रहा है, साउंड नहीं करेगा और कांटा जो है वो फेरस की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन मोड पे डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इस तरह से सर मशीन वर्क करती है। इस मशीन से आप मैक्सिमम 10 फीट तक डेप्थ अंडरग्राउंड में आपको मिलेगी और ये बहुत ही परफेक्ट मशीन है। तो थैंक यू आपको हमारा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।